हाय गाइस, यूट्यूब चैनल तक आए तू सुन गया। हाय गाइस, स्वागत है तुमचं यूट्यूब चैनल येत नाही आपल्याला जमता। हाय गाइस, स्वागत है तुमचं यूट्यूब चैनल वर वर्क एंड ट्रैवल। आज ची माहिती राजीव बोजनारे बांधकाम रोज काय म्हणतो त्याला रोजगार हमी केंद्र काय आहे ते। आणि चला तर राजीव भाऊ या अंध्या माहिती। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वर्क एंड ट्रैवल। जैसे कि सोहन ने आपको भी बताया, उसको हम ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि नया नया है ना, उसको इतना आता नहीं। आपने देखा हो हमारे पिछले वीडियो में कि आपको बताया था कि कामगार विभाग के बारे में, तो कैसा फॉर्म भरना है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, तो आपको बताया था। उसके लिए ये फॉर्म है, ये 3 पेज का फॉर्म आता है। इसमें ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, उसके बाद में ये आधार संबंधी पत्र। अब इसके बारे में आपको बताना है कि ये फॉर्म आपको फिल कैसे करना है। तो पहला वाला फॉर्म ये है, ग्राम पंचायत महानगर पालिका नगर पालिका नगर परिषद यांच्या मार्फत कामकाज मागील वर्षात 90 दिवस अधिक काम करण्याचे प्रमाणपत्र। अगर आप सिटी से हो तो आपको नगर पालिका से देना होगा, और गाँव से हो तो ग्राम पंचायत से। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर लिखा है अधिकारी नाव, तो आपको यहाँ डालना है। अगर ग्राम पंचायत से हो तो ग्राम सेवक अधिकारी, या फिर सिटी से हो आप कोई बड़ी गांव से शहर से हो तो फिर नगर अभियंता, उनका नाम डालना है। उसमें पूरा फिल करना है फॉर्म को, देख लो उसमें क्या क्या लिखा है। उसमें लिखा है बाद में कामगार चुनाव, तब कामगार चुनाव यहाँ पर जो जिसका रजिस्ट्रेशन करना है नए से बांधकाम के लिए, यहाँ पे उसके बारे में लिखना है, उसके बारे में लिखना है। और उसके बाद में नीचे है गांव, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, और उसके नीचे लिखा फिर बांधकाम का स्वरूप, तो उसमें बांधकाम का मजदूर लिखना है। और उससे जो नीचे ये बॉक्स बने हैं यहाँ पर, जिस दो वर्कर के पास हम काम करते हैं 90 दिन, यहाँ पर उनका डिटेल लिखना है। ऊपर के बॉक्स में यहाँ पर उनका नाम लिखना है, नीचे बॉक्स में उनका एड्रेस, कहाँ पर काम करें अपन ने 90 दिन उसके बारे में। तो उसके नीचे आता है मोबाइल नंबर, दिख रहा है आपको मोबाइल नंबर, हाँ तो ये सही लेना है, जिसकी जो ठेकेदार होता है, इसके बाद अपन काम करें 90 दिन वो ठेकेदार। तो यहाँ चार बॉक्स में से दो ही का लिखना है, चारों का नहीं लिखना है, दो ठेकेदार का नाम लिखना है उसके ऊपर, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर है, उसका एड्रेस भी है, और अगर ठेकेदार सिविल हो गवर्नमेंट हो तो उसका यहाँ पर लाइसेंस नंबर है वो लिखना है। नीचे बाद में डेट, और एक ठेकेदार के पास काम करते अपन 2 महीना 3 महीना, तो कौन सी तारीख से काम को शुरू है और कौन सी तारीख से काम किया अपन ने उसकी जानकारी है, और उसके नीचे भी उसकी सिग्नेचर है, और ऊपर में यहाँ पर फोटो लगाना है। फोटो के ऊपर आपको एक ये सिक्का लेना है, और ग्राम पंचायत से हो तो ग्राम पंचायत का सिक्का यहाँ पर, और नीचे ग्राम सेवक अधिकारी उनका लेना है। और इसके बाद में है दूसरा फॉर्म, ये सेल्फ डिक्लेरेशन स्वयं घोषणा पत्र। यहाँ पर जो मजदूर है जिसके अपन नोंदनी करते उनका पर नाम लिखना है, उसके बाद में यहाँ पर उसके फादर का नाम है, उससे अभी फिर आधार नंबर है, आधार नंबर डालना है, उसके बाद में उसका एड्रेस है, और कौन सा काम है, मजदूर कौन सा है, बांधकाम कामगार है या फिर सेंटरिंग है, ये डालना है। उसके बाद में यहाँ पर कौन से गाँव से ठिकान, उसका भी डेट है वो डालना है, और यहाँ राइट साइड में यहाँ पर लिखा है मजदूरांची सही, वो मजदूर अर्जदारचे नाव वो लिखना है। ये फॉर्म हो गया, इसके बाद में थर्ड नंबर, और जो तीसरा फॉर्म अपना आता है पेज, वो है आधार संबंधी पत्र। आधार संबंधी पत्र इसलिए कि यही जो जिसका रजिस्ट्रेशन किया है वही आदमी खुद काम करने वाला है या कोई दूसरा है। आधार संबंधी पत्र ये इसलिए है कि ये खुद बांधकाम कामगार के अंदर जो ऑफिसर होते हैं वो चेक कर सके कि ये खुद वही है या कोई और काम कर रहा है इसके ऊपर, तो ये आधार संबंधी है। उसके बाद में यहाँ पर है आधार नंबर, यहाँ आधार नंबर डालना है, और यहाँ पर क्या है अर्जदाराचे नाव, श्री श्रीमती हो, लेडीज हो, जो हो, कोई भी हो गया, इसमें यहाँ पर उसकी सही होती है सिग्नेचर, यहाँ पर डेट है और तारीख है, ठिकान कहाँ से क्या है, वो यहाँ पर वो सही करके इसको अपलोड करना पड़ता है ऑनलाइन। और अगर आप ग्रामीण से हो तो आपको ग्राम सेवक पास से लेना है सही सिक्का, और आप शहर से हो या कोई सिटी से हो तो आपको नगर पालिका या फिर नगर परिषद से देना पड़ता है, तो ये डॉक्यूमेंट है। तो गाइस, जैसा कि आपको कौन से इसमें सर्टिफिकेट लेना है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे,
ये सारे डिटेल्स आपको राजिक ने दिया है, सोनिया ने शुरुआत किया है वीडियो की, कोशिश कर रहा है धीरे धीरे वो भी सीख जाएगा। मैं एक बार इन शॉर्ट बता दूं आपको, पहला है प्रमाण पत्र जो जिसके अंदर इसमें 90 दिन जो काम करता है उसके बारे में डिटेल्स लेना है, फोटो लगा के कौन से ठेकेदार के पास में कहाँ पे काम किए उस बारे में सब डिटेल्स है, खुद के नाम लिखना है। जैसा कि राजिक ने बताया नगर पालिका नगर परिषद या महानगर पालिका या तो फिर ग्राम पंचायत, आप जो भी टेरिटरी में रहते हो वहां से आपको ये लेना है, वो सब फिल करना है। इसमें दूसरा सर्टिफिकेट था स्वयं घोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन, इसके अंदर आपको आपका खुद का देना है कि आपके ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो और ये सारी चीजें इसमें है, ये जनरल जो वेरिफिकेशन रहता है गवर्नमेंट के रूल्स वो है। प्लस तीसरा है आधार माहिती चाहिए स्वयं घोषणा पत्र, इसके अंदर ऐसा है कि ये तीन चीज दो चीजों के लिए काम में आता है, एक तो भाई मैंने मेरा आधार कार्ड दिया मैं अगर ये फिल करके दे रहा हूं तो मैं ये बंदा हूं, प्लस मेरे आधार कार्ड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ये यूज करने के लिए आप लोग एक एनओसी दे रहे हो ये डिपार्टमेंट को, बांधकाम डिपार्टमेंट को, उसके लिए है ये पे ये दिया जाता है। तो ये तीन चीजें आपको मस्ट रहती है इसके अंदर जब आप बांधकाम नोंदनी करते हो तो। बाकी कल राजिक ने आपको बताया ही है कि फैमिली मेंबर के आधार कार्ड सभी के जन्म तारीख वाले पूरे, प्लस राशन कार्ड लगता है और जानता हो तो टीसी लगाना है, एवरी बार सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीजें आपको पिछले वीडियो में बताया ही है, अब नेक्स्ट वीडियो में ये जो फॉर्म है ये किस तरह से भरना है, प्लस पूरे फैमिली के आधार कार्ड किस सीक्वेंस में लगाना है, कैसे सबके सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, फोटो चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी चीजें फोटो चाहिए वो किस तरह से देना है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कवर करेंगे। बाकी वीडियो अगर पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थैंक यू। आता जर तुम्ही वीडियो पाहिला बिना स्किप करून, तर राजिक दादांनी तुम्हाला जे सांगितलं जे बिना स्किप करून तुम्ही व्हिडिओ पाहिला असेल तेव्हा तुम्हाला सगळं समजल। तर बघत राहा असे व्हिडिओ आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब लाईक आणि बेल आयकन प्रेस करा आणि माझ्यासोबतही जुळत राहा, काऊन की ते म्हणले मी मी आता बोलणं शिकत आहे मग मी एकटा व्हिडिओ देणार आहे ना, तू मी एकटा व्हिडिओ देईल आणि माझं यूट्यूब चॅनल पण राहील दुसरं वगैरे सरसोबत। तर आमच्या चॅनल जुळे राहा आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करत राहा।